हे वेलकम बैक गाइज, आज काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आज ले रहा हूँ मैं अपनी नई एडवेंचर बाइक। ये मेरी फर्स्ट एडवेंचर बाइक है जिसके लिए मुझे जाना पड़ेगा रमेश नगर। तो फिलहाल सीन ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है दिल्ली के अंदर और बिल्कुल तपा देने वाली ही गर्मी है। फ़िलहाल मेरे पास है स्टैंडर्ड बाइक जो कि मेरे दोस्त की है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा मैंने पोस्ट डाला था कि भैया हाथ जो है वो बिक चुका है और अब एडवेंचर बाइक लेने जा रहा हूँ मैं। कौन सी बाइक ली है, कहाँ से ली है, वो सब आपको देखने को मिलेगा इसी वीडियो में। फिलहाल तो ट्रैफिक से निजात पाते हैं और अभी मुझे अपने दोस्त को भी रिसीव करना है। भैया दिल्ली की गर्मी और दिल्ली की रेड लाइट दोनों ही है बड़े ख़तरनाक, और हेलमेट में मुंह मेरा ऐसा हो रहा है पसीनों में एकदम तर से तर। तो जी मैं हूँ इस टाइम रजौरी गार्डन के T1 राइडर जावा शोरूम में। मेरे पीछे जो ये है T1 राइडर जावा शोरूम जहाँ से मैंने परचेज करी है अपनी एडवेंचर बाइक। ये रमेश नगर मेट्रो के पास ही है। थैंक यू सर, कंग्रेचुलेशन।
थैंक यू। Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. तो फाइनली येजदी बाहर आ चुकी है शोरूम से और फिलहाल तो बिल्कुल मस्त तरीके से चमक रही है। तो ये है अपनी येजदी एडवेंचर, नई टूरिंग बाइक, क्योंकि मैंने अपने यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाना स्विच कर दिया था, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि दोबारा से मैं इसको ग्रो करूँ और इसके लिए मैंने ये बोर्ड करी है येजदी एडवेंचर। और एक अलग वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने हिमालयन को क्यों नहीं लिया, क्यों मैंने येजदी को चूज कर रहा। तो तैयारी इसके मुहूर्त की, घर पे जाना है और मुहूर्त करना है इसका। सो भैया, हाथी की सवारी तो बहुत कर ली, अभी ये थोड़ी घोड़े की सवारी करेंगे आपसे हम। येजदी की जो बाइक है, एक समय था येजदी ने पूरी दुनिया पर राज किया था, और ये बाइक मैंने किस पर्पस के तहत ली है और क्यों मैंने हिमालयन की जगह इस बाइक को चुना है, वो अलग से वीडियो में हम बात करेंगे उसके बारे में। पर ये जो पूरा वीडियो है ये रहेगा सिर्फ डिलीवरी के लिए। और ये मेरा फ्रेंड इसकी बाइक पे मैं आया था स्टैंडर्ड, और जैसा कि मैंने पहले बताया यार, दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है, हेलमेट में ऐसे इतना गर्म हो चुका है दिमाग, बिल्कुल एकदम ऐसा मन कर रहा है कि कोई ठंडे ठंडे पानी में कोई फुहार लगा दे तो मज़ा ही आ जाए। तो बाइक को भी ज़्यादा रेव नहीं करेंगे, क्योंकि नई बाइक का एक क्या होता है कि मोरेटोरियम होता है कि थोड़ा उसको रेव नहीं करना चाहिए। तो मैं जो अपनी स्पीड है वो बिलो 60-70 रखूँगा, और जब तक इसकी फर्स्ट सर्विस नहीं आती तो मैं इसके थ्रोटल को फुल रिस्पॉन्स नहीं दूँगा। बाकी इसके अंदर भी पेट्रोल भरवाना है, क्योंकि इसका जो फ्यूल है वो बिल्कुल ज़ीरो है ऑलमोस्ट। भाई साहब आपका जल रहा है, भाई साहब आपका जल रहा है। भाई साहब आपका जल रहा है इंडिकेटर। तो भैया काफ़ी अच्छा फील हो रहा है मेरे को येजदी बाइक राइड करके, और जो थ्रोटल रिस्पॉन्स है बहुत ही आला दर्जे का है। और इसमें जो 6 गियर है, लेकिन अभी 6ठे गियर पे मैं पहुंच नहीं पाया ड्यू टू ट्रैफिक कंडीशन, क्योंकि भैया दिल्ली में जो ट्रैफिक है वो लगता है बहुत ही ज़्यादा, और 6ठे गियर की नौबत नहीं आती। 6ठे गियर का मतलब है कम से कम 90 के आसपास की स्पीड। तो अभी मैं थोड़ा यूज्ड टू भी नहीं हूँ बाइक का, तो थोड़ा सा संभल के मुझे चलानी पड़ेगी, क्योंकि कम से कम 3-4 दिन लग जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या कर लिया, अचानक से क्लासिक 350 से येजदी एडवेंचर पे स्विच हो गया। तो 2-3 दिन मेरे को चाहिए इसको थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या होता है। इसके कुछ मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो बैक टू बैक आएंगे। तो अभी इसको भरवाना है पेट्रोल भी, क्योंकि शोरूम से सिर्फ मिला था मेरे को 1 या 2 लीटर, मेरे को लगता है कि वो 1 लीटर भी पूरा नहीं था, और बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट आ रहा है। पता नहीं मेरी साउंड रिकॉर्ड हो पा रही है नहीं हो पा रही,
हवा काफ़ी तेज़ बह रही है, तो पेट्रोल पम्प भी मैं जो दिख गया तो फिल करा लेते हैं बिल्कुल नई बाइक में। पहला पेट्रोल पंप फुल नहीं है, 500 का है। अरे 500 का यार, एक्स्ट्रा 101 है। तो भैया भरा लिया पेट्रोल पहली बार नई बाइक में, और क्लासिक में मैं डलवाता था हमेशा नॉर्मल, पता नहीं क्यों अचानक लगा कि इसमें डलवा तो एक्स्ट्रा प्रीमियम। कोई बात नहीं, नई का शौक़ है, उसके बाद इसमें नॉर्मल पेट्रोल ही जाएगा। तो जी हर चीज़ हो गई, बाइक की डिलीवरी भी हो गई, बाइक को मैंने राइड भी कर लिया, लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो गई रहे, और वो है बाइक को भगवान का आशीर्वाद देना, जिसके लिए चलना पड़ेगा मंदिर में इसके मुहूर्त के लिए, क्योंकि उसके बिना तो बाइक घर में जा ही नहीं सकती। तो ये तो जी हो गया बाइक का शुभ वाला मुहूर्त, और भगवान के नाम से ही हर काम बनते हैं। तो फिलहाल है घर जाने का टाइम, और बस ये वीडियो था डिलीवरी का और साथ में शुभ मुहूर्त था। तो इसके बाद जो वीडियोस है वो बैक टू बैक आते रहेंगे, तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, इट्स मी अंकुश। तो जी मंदिर से हो गया मुहूर्त और अब टाइम है घर जाने का। इस वीडियो में बस इतना ही, तो फिलहाल के लिए गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, इट्स मी अंकुश। You can still go, even when you feel slow, you can still go, even when there's no hope, you can still go. I never ran